चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों से। पीएम मोदी के आदर्श गांव जयपुर में 3 महीने पहले खुला पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है। डाकघर के मकान मालिक राजू सिंह ने नौकरी पक्की न होने की वजह से पोस्ट ऑफिस पर ताला लगा दिया है। इस खबर के प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद संचार मंत्रालय ने मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अमेठी से है, जहां चलती रोडवेज बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस मामले में यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 50-50 हजार रूपये देने का ऐलान किया है। उधर मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पीएम मोदी के आदर्श गांव का पोस्ट ऑफिस बंद होने की खबर पर जी संगम की खबर का असर हुआ है। संचार मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आदर्श गांव का नाम जयपुर है और यहां 3 महीने पहले खोले गए पोस्ट ऑफिस पर ताला लगा दिया गया है। इस पोस्ट ऑफिस के बंद होने की वजह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। जिस शख्स के घर में यह डाकघर चल रहा था, उसी ने इस पर ताला जड़ दिया है। इस डाकघर के मकान मालिक राजू सिंह हैं। उनका आरोप है कि किराए पर घर देते वक्त उन्हें 3 महीने के लिए डाक वितरक की अस्थायी नौकरी दी गई थी और यह भरोसा दिया गया था कि उनकी नौकरी पक्की भी कर दी जाएगी। राजू का आरोप है कि 3 महीने पूरे करने के बाद उसकी नौकरी पक्की नहीं की गई और उसकी जगह नए डाक वितरक और पोस्ट मास्टर की तैनाती का फरमान आ गया, जिससे खफा होकर उसने डाकघर पर ताला लगा दिया। और पोस्ट ऑफिस के मकान मालिक राजू सिंह का कहना है कि जब उसे नौकरी ही नहीं मिलनी है तो उसके घर में पोस्ट ऑफिस क्यों खुला रहेगा। हालांकि जी संगम पर खबर चलाए जाने के बाद केंद्र सरकार की आंखें खुली हैं। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। उधर जयपुर के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था और तब यहां विकास की बयार बहनी शुरू हो गई थी। 3-3 बैंकों के बाद डाक विभाग ने भी यहां एक उप डाकघर खोलने का निर्णय लिया। उप डाकघर खोलने के लिए इनको जगह नहीं मिल रही थी तो गांव के ही राजू सिंह ने अपने निजी जगह को, अपने निजी कमरे को डाक विभाग को दिया और यहां पर उप डाकघर खोला गया। राजू सिंह को ये आश्वासन दिया गया था कि 90 दिन के बाद उनको स्थायी रूप से नौकरी दे दी जाएगी। राजू सिंह डाक वितरक के तौर पर अस्थायी नौकरी करने लगे, लेकिन अस्थायी नौकरी मिलने के कुछ ही दिनों के बाद डाक विभाग ने एक विज्ञप्ति के जरिए डाक वितरक का पोस्ट निकाला। राजू सिंह ने डाक विभाग के अधिकारियों के पास जाकर बताया कि डाक वितरक के अस्थायी पद पर वो कार्यरत हैं और उनको ये आश्वासन डाक विभाग के तरफ से ही दिया गया था, लेकिन डाक विभाग के अधिकारियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। राजू सिंह डिप्रेशन में हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। पूरा जयपुर गांव राजू सिंह के लिए एकजुट है। ताला लगा दिया गया है यहाँ जयपुर उप डाकघर पर और लोग उप डाकघर के ठीक सामने धरने पर बैठे हैं। क्या मामला क्या है? देखिए, जब यहाँ डाक विभाग की खोलने की शाखा खोलने की बात आई तो इन लोगों को पहले रूम नहीं मिल रहा था। इन्होंने राजू सिंह से बात किया और उनको आश्वासन दिया कि आपके रूम में ये डाक विभाग खोला जाएगा और आपको यहाँ पद पर रखा जाएगा। ऐसा आश्वासन देने के बाद, चूंकि राजू सिंह पहले से संविदा पर रोडवेज में कार्यरत थे, उन्होंने संविदा की नौकरी छोड़ करके इस विभाग में लगे और मन से परिश्रम के साथ इन लोगों ने करीब 700-800 खाते भी खुलवाए। इसके बाद 2-3 महीने बीतने के बाद इन्होंने यहां से इनको डिस्चार्ज कर दिया और दूसरी जगह वैकेंसी निकाल करके गाजीपुर के किसी व्यक्ति का नियुक्ति किए हैं। नियुक्ति हो गई है? नियुक्ति हो गई है। किसकी नियुक्ति हुई है? अब नाम तो नहीं मालूम, लेकिन गाजीपुर का कोई लड़का है, उसका नियुक्ति हुई है। हाँ, धोखा दे, वो कहे कि आप अथवा करो, इस पर करो, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे। जब वो नौकरी जब कमरे में आ गए तब कहे कि नौकरी नहीं है, दूसरों को रख दी उनके पद पर जगह, उनको हटाकर उसके उसी टेंशन में वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जयपुर वाराणसी, जी मीडिया के लिए। और भाई आपको बताते हैं कि आखिर विवाद की वजह क्या है। डाकघर के मकान मालिक ने वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जड़ा ताला और मकान मालिक का आरोप स्थायी नौकरी का दिया गया था उसे भरोसा।
89 दिन की अस्थायी नौकरी के बाद नौकरी पक्की करने का वादा उसके साथ किया गया था। नौकरी पक्की न होने से गुस्साए मकान मालिक ने डाकघर पर ताला लगा दिया है। मकान मालिक ने विभागीय अफसरों पर धोखा देने का भी आरोप लगाया है। उधर मकान मालिक राजू सिंह डिप्रेशन में चल गया है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डाक विभाग से धोखा मिलने के बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आरआजी लाइन में इस वक्त राजू सिंह हॉस्पिटलाइज हैं और डिप्रेशन में बिल्कुल आ गए हैं डॉक्टर साहब। और राजू जी, अभी तबीयत कैसी है आपकी? सर पहले तो आराम है सर, कल तो ज्यादा था। इकाएक क्या हो गया था? इकाएक सर कल शाम को तो हम ठीक ठाक थे, करीब 4 बजे हमको अचानक जो है पेट में दर्द, उल्टी, टट्टी, बुखार इतना तेज होने लगा सर कि हमसे ठीक हो जाएगा। डर भी लग रहा सर, नींद तो 2 दिन से हम सोए नहीं है सर। अच्छा, ये जब आपको जानकारी कब मिली? सर पहले से तो हमको मालूम था कि हमको निकाल दिया जाएगा, तो जानकारी तो पहले से था सर, वो लिखित तौर पर शनिवार को मिला। तो आपको जब पहले से मालूम था तो आपने अपना कमरा दिया क्यों डाक विभाग को? नहीं सर, हमको तो अब मालूम है 10-15 दिन पहले ना सर, मौखिक आश्वासन दे दिया हमको। हम तो सर एक जगह काम कर ही रहे थे मगर छोड़ करके सोचे कि केंद्र गवर्नमेंट का अगर चपरासी का भी मिल जाए तो उसमें कर लें, क्या दिक्कत है। बोले कि नहीं, मोदी जी का गांव है, आप लोग जो है सहयोग करिए। इसी सहयोग की भावना से मैं सर दिया रूम, और ये भी मैंने नहीं कहा किराए के लिए, मैं बोला किराया ले लीजिए, किराए पर ले लीजिए खाली, जबकि बुक था पूरा मकान सर। मकान हमारा दोनों बुक था, एक आंगनवाड़ी था, एक में किराएदार थे। क्या कहा, क्या होगा, कैसे होगा सर? तो बच्चे हमारे पास, माँ है हमारी, वही तो है, कहाँ जाए हम। कहाँ जाए हम? कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अमेठी के दर्दनाक हादसे की। अमेठी में बस में आग लगने की खबर पर नया खुलासा हुआ है। यूपी के परिवहन आयुक्त के दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि बस में छोटा सिलेंडर रखा हुआ था जिसमें आग लगने से यह हादसा हुआ है। अमेठी हादसे के कई घंटे बाद भी लखनऊ में परिवहन विभाग के दफ्तर में और कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, यहां तक कि कई बड़े अफसर मौके से नदारद मिले। हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने जब इस बारे में जानना चाहा तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तमाम जो इस तरह की कभी घटनाएं हो, अगर कोई दुर्घटना हो तो उसके बाद यहां संपर्क किया जा सकता है। ये नजारा है उसका, यहां कामकाज का, किस तरीके का कामकाज और किस तरीके से लोगों की मदद के लिए यहां पर लोग मौजूद रहते हैं, वो क्या कुछ करते हैं, वो भी सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कोशिश करते हैं लोगों से भी जानने की कि अमेठी की घटना को लेकर क्या जानकारी है यहाँ लोगों के पास। आप लोगों में से किसी को अमेठी की घटना की जानकारी है? किसी को जानकारी है अमेठी की घटना की? आप लोगों में से किसी को जानकारी है अमेठी की घटना की? आपको जानकारी है अमेठी घटना की? आपको जानकारी है अमेठी घटना की? आप बताइए, आपको जानकारी है क्या? ये कंट्रोल रूम का हाल है, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है कोई हादसा या कोई घटना होने पर यहाँ पर लोग बताएं। यहाँ पर सब थोड़ी देर पहले बैठे हुए, लेकिन बिल्कुल इन लोगों को जानकारी नहीं है। ये परिवहन विभाग का नजारा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से मुआवजे का ऐलान किया जाता है, विभाग खामोश बैठा हुआ है, विभाग के हेल्पलाइन नंबर खामोश बैठे हुए हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं है, एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। और ये नजारा सीधे तौर पर परिवहन विभाग के इस कार्यालय में दिखाया जा रहा है। ये टोल फ्री नंबर है जिसको डायल करके सरकार ये उम्मीद करती है कि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन ये टोल फ्री नंबर कितना काम करते हैं ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये अधिकारी भी ये बार बार इस कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उस तस्वीर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो तस्वीर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है। ना अधिकारी मौजूद है, जो मौजूद है उनके पास कामकाज नहीं है, अपने निजी कामों में व्यस्त है या फिर उनको जानकारी नहीं है। कैमरामैन जगराज साहब, अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। हम इस वक्त खड़े हैं परिवहन निगम के एमडी के कार्यालय के बाहर। मुकेश मिश्राम एमडी हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने की कि आखिर अमेठी में जो हादसा हुआ वो किसकी लापरवाही से हुआ, कैसे हुआ। हमें ये बताया गया कि मुकेश मिश्राम अपने कार्यालय में मौजूद हैं और यहां से हमें औपचारिक प्रतिक्रिया मिल सकती है। इससे पहले हम प्रमुख सचिव कुमार अरविंद सिंह देव के पास भी गए थे, उनसे भी हमें करीब आधे घंटे इंतजार के बाद मुलाकात हो पाई। जब बात हुई तो उनको अमेठी की घटना के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। संवेदनहीनता है उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की, उस विभाग के प्रमुख सचिव के बारे में इतनी बड़ी ट्रेजडी की जानकारी नहीं है।
जब दूसरी ओर मुख्यमंत्री की ओर से सहायता राशि का मुआवजा का ऐलान कर दिया जाता है, जो सात मृतक परिवार हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए, जो घायल हैं उनके लिए 1 लाख रुपए, जो कम घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया, वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग के अधिकारियों को ये तक जानकारी नहीं है कि अमेठी के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है। यहां दूसरी तरफ परिवहन आयुक्त के रविंद्र नायक से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, वो भी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। हालांकि टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने माना कि अमेठी में घटना हुई है और वो सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई है, जो है गाड़ी के अंदर कैरी किया जा रहा था। तो ये भी एक सीधे तौर पर परिवहन विभाग की लापरवाही है। पहले से ही खस्ता हाल खटारा एक तरीके से कहें तो बना हुआ परिवहन विभाग एक बार फिर साबित हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर कामकाज होता है, किस तरह से लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है और उसी के नतीजे से लोगों की जान जाती है। अमेठी में हुई घटना से भी शायद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया, इसीलिए प्रतिक्रिया के लिए भले मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों मंत्री की ओर से कोई भी औपचारिक अनौपचारिक बयान नहीं जारी किया गया। करण जयप्रकाश और अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। अमेठी में रोडवेज की चलती बस में आग लगने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिनमें से 2 को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बस में कुल 42 लोग सवार थे। वहीं इस घटना में यूपी सरकार ने 8 मौतों की पुष्टि की है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और गंभीर रूप से झुलसे लोगों को 1-1 लाख रूपये के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं सामान्य रूप से झुलसे लोगों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। मारे गए जिन लोगों की पहचान हो गई है उनमें सुल्तानपुर के 2, अमेठी के 2 और फैजाबाद के 2 लोग हैं। इस मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हादसा फैजाबाद इलाहाबाद हाईवे पर रामगंज इलाके के पास हुआ है और बस फैजाबाद से इलाहाबाद जा रही थी। बस का दरवाजा लॉक हो जाने की वजह से आग लगने के बाद यात्री बस से बाहर नहीं निकल सके। हालांकि हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी थी और बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। अमेठी से लेकर दिल्ली तक आग का कहर देखने को मिला। जहां अमेठी में रोडवेज की बस में लगी आग में 8 जिंदगियां जलकर खाक हो गईं तो वहीं कई झुलस भी गए। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी 2 ट्रेनों में आग लगी जिसे बुझाने में दमकल विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अगर भुवनेश्वर राजधानी और सियालदह एक्सप्रेस की खाली बोगियों में लगी आग जिसका धुआं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आग की लपटें तस्वीरों में नजर आ रही हैं। बारिश और ओलावृष्टि से जूझ रहे किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पीलीभीत में गेहूं की सरकारी खरीद में देरी का नुकसान भी किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। गेहूं के सेंटरों में खरीद न होने से किसान अपना बचा कुचा गेहूं औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। आपको बता दें कि पीलीभीत में गेहूं की खरीद 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है लेकिन खरीद के नाम पर प्रशासन की ओर से इंतजाम न के बराबर हैं। किसानों के मुताबिक अच्छे गेहूं को खराब बताकर किसानों को टरकाया जा रहा है, लिहाजा पहले से ही बर्बाद हुई फसल का नुकसान झेल रहे किसानों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। लिहाजा किसानों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उधर आला अधिकारियों के मुताबिक गेहूं मानक के अनुरूप नहीं आ रहा है, साथ ही गेहूं का सरकारी रेट 1450 रूपये प्रति क्विंटल है लेकिन सरकारी केंद्रों पर खरीद न होने से गेहूं 1300 रूपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है। मौसम की मार के अंदर जो फसलें खराब हुई हैं वो तो उसको तो हम मानते हैं लेकिन उसके मिलते हुए फिर अच्छी भी सब खराब बता देते हैं। खराब तो खराब है ही, खराब को तो मानेंगे लेकिन खराब के साथ फिर बाकी भी सब उसी में चली जाती हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ मंडीकरण जो है इससे हम लोग किसान बहुत परेशान है। सर सेंटर पे क्या जाना है? सेंटर वाले तो ये कह रहे हैं इसमें मॉक्चर बहुत ज्यादा, इस चक्कर में ये गेहूं लेना नहीं चाह रहे हैं और दूसरी बात गेहूं इतनी बहुत गिरे हुए हैं, इस चक्कर में ये लोग कह रहे हैं मिट्टी बहुत आ रही है उसका कर्जा काटेंगे, इस चक्कर में सेंटर में हम जा ही नहीं, अब मजबूरी आरती को देना पड़े अपना गेहूं। वे फसलों के बर्बाद होने से निराश किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा के मरगोरा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव में विजेंद्र नाम के किसान ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। घटना के बाद रिफाइनरी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन शव उतारने के बजाय अपने थाना क्षेत्र के बाहर मामला बताकर लौट गई, जिसके बाद मोरगरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मृतक किसान के परिवार वालों का कहना है कि कर्ज और फसल बर्बाद से परेशान होकर विजेंद्र ने मौत को गले लगा लिया है। द
उधर आपदा राहत के मुद्दे पर सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने आज लखनऊ में बैठक की और बैठक में शिवपाल ने आपदा राहत के काम में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी चेक बाउंस हुआ उन सारे मामलों को लेकर एक समिति बनाई गई है। समिति में बैंक, राजस्व, कृषि और सहकारिता विभाग के एक एक सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले का डीएम समिति का प्रमुख होगा और समिति सर्वे पूरा करके एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल मथुरा से खबर आई थी कि मुआवजे के लिए किसान को मिला चेक बाउंस हो गया है। शिवपाल ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं शिवपाल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीमा कंपनियों के अधिकारी, बैंकों के अधिकारी, राज्य सरकार की कृषि, सहकारिता, राजस्व, सिंचाई और वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यों की टीम बना दी है, उसमें एक राजस्व विभाग का, एक एग्रीकल्चर का, एक कोऑपरेटिव का और एक जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। एक हफ्ते के अंदर सर्वे करे जा करके ज्वाइंट सर्वे होगा ये, और पूरी रिपोर्ट बना करके किसानों को तुरंत जहां जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर किसानों को तुरंत मदद मिले, जो भी उनकी किस्त है तुरंत समय से मिल जाए। दरअसल जी मीडिया ने खबर दिखाई थी कि मथुरा में किसान को मिला मुआवजे का चेक कैसे बाउंस हो गया। मामला छाता तहसील के अजय गांव का है। यहां रहने वाले सुरेश चंद्र नाम के किसान को प्रशासन ने 18,000 रूपये का चेक दिया था। ये चेक छाता के तहसीलदार के नाम से दिया गया था, लेकिन सुरेश जब चेक लेकर बैंक पहुंचे तो वो बाउंस हो गया। सुरेश के मुताबिक तहसीलदार के खाते में रूपये ही नहीं है। वहीं जब इस बारे में जिले के डीएम राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने तहसीलदार के खाते में रूपया न होने की बात से इनकार कर दिया। मैं जो हमारे यहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान की कुछ राहत के लिए मिला गवर्नमेंट की तरफ से यह चेक। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि तुरंत पैसा मिलेगा आपको, हमने डाल दिया इसको बैंक में, चेक बाउंस हो गया। उसमें लिखा मेमो में क्या भाई पैसा ही नहीं, उनके खाते में पैसा नहीं। केवल एक ब्रांच की बात मेरे संज्ञान में आई थी, तो एलडीएम को ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो तुरंत तहसील को आप स्वयं भी बताएं दिए जाए, ऑलरेडी वो निर्देश दे दिए। केवल 2 या 3 केस की हमें सूचना आई थी, उसको ऑलरेडी निराकरण करा दिया। खाते में पर्याप्त धनराशि, खाते में हमारे पास 122 करोड़ हमारे पास प्राप्त है और अभी जो चेक वितरण हुआ है करीब 30 करोड़ का हुआ है, खाते में हमारे पास कोई धनराशि की कमी नहीं। और बढ़ते हैं आगे। बुंदेलखंड को विशेष पैकेज देने के बावजूद भी यहां विकास का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दें कि एमपी के 6 और यूपी के 7 जिलों के लिए 7,266 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिनमें से यूपी के हिस्से में 3,760 करोड़ रुपए आए थे। वहीं आत्महत्या के आंकड़े भी बढ़ गए हैं। 2011 में 519 की तुलना में 2014 में 806 आत्महत्याएं हुई हैं। और अब बात एक ऐसे पुल की जो 15 साल से अधूरा है। गाजीपुर के सैदरपुर जनपद और चंदौली जनपद को जोड़ने वाले पुल का निर्माण पिछले 15 सालों से अधूरा है, लेकिन सैदपुर के विधायक के आश्वासन के बाद इस पुल के अच्छे दिन आने के आसार नजर आने लगे हैं। सैदपुर के विधायक सुभाष पासी ने 2016 से पहले इस पुल के निर्माण का आश्वासन दिया है। 1999 में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री कलराज मिश्र ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक इस पुल का काम अधूरा है। साल 2012 में भी पुल का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन बजट के अभाव के चलते काम एक बार फिर से रोक दिया गया। दो जनपदों को जोड़ने वाले इस पुल का सबसे ज्यादा इंतजार यहां के लोगों को है, क्योंकि मौजूदा वक्त में लोग पीपा पुल के जरिए एक से दूसरे जनपद की ओर पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।